हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। सो गाइज, ये एडिटिंग मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से सिखाने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। गाइज, सबसे पहले हमें लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे गैलरी वाला ऑप्शन है गाइज, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। एंड गाइज, अब हमें जो फोटो एडिट करनी है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो सिंपली हम इस वाले फोटो को एडिट करने वाले हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहले इसके अंदर हमें लाइटिंग को एडजस्ट कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पे हमें लाइट वाले ऑप्शन है गाइज, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। एंड इसके अंदर कंट्रास्ट है, इसको हमें इंक्रीज करना है। एंड इतना हम कर लेते हैं। एंड इसके बाद आता है गाइज हाईलाइट, इसको हल्का सा डाउन करना है। एंड यहाँ पे शैडो जो गाइज, इसको भी हल्का सा यहाँ पे हमें डाउन करना है। एंड गाइज वाइट है, इसको भी हमें डाउन करना है। एंड हमारी लाइटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें अपनी फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है। सो गाइज, इसके लिए सिंपली यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे हमें आ जाना है। एंड इसके बाद यहाँ पे मिक्स वाला टूल लगा, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। एंड सेकंड वाला कलर आता है ऑरेंज कलर, इसके ऊपर हमें आ जाना है। एंड इसके अंदर सेचुरेशन का इसको हमें डाउन करना है। एंड सिंपली यहाँ पे इतना हम डाउन कर लेते हैं। एंड लुमिनेंस आता है, इसको भी हल्का से यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है। गाइज, इसके बाद नेक्स्ट वाला कलर आता है येलो कलर, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे हुए इसको हमें -100 कर लेना है। एंड सेचुरेशन है, इसको भी हमें -100 कर लेना है। गाइज, इसके बाद यहाँ पे लुमिनेंस आता है, इसको हमें डाउन करना है। एंड सिंपली यहाँ पे इतना हम डाउन कर लेते हैं। गाइज, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला कलर आता है यहाँ पे ग्रीन कलर, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, इसके अंदर हुए इसको हमें डाउन करना है, -100 इसको हमें कर लेना है। एंड सेचुरेशन है, इसको भी हमें -100 कर लेना है। एंड लुमिनेंस आता है गाइज, इसको भी हमें डाउन करना है। एंड सिंपली यहाँ पे इतना हम डाउन कर लेते हैं। गाइज, इसके बाद सिंपली यहाँ पे हमें डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड बैक आ जाना है। एंड आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। गाइज, हमारी एडिटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब हमें इसे स्नैपशीट ऐप के अंदर शेयर करना है। एंड वहाँ पे हमें PNG को ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। एंड गाइज, यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। गाइज, अब हम इसको स्नैपशीट ऐप के अंदर शेयर कर लेते हैं। गाइज, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन आएगा, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे कर्स वाला टूल है, इसके ऊपर हमें आ जाना है। एंड इसके अंदर ये चैनल का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। एंड रेड कलर का इसको हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड इस ग्राफ को हमें डाउन करना है, माइनस में कर लेना है पूरा। एंड वापस इस पर क्लिक करना है। एंड ग्रीन कलर पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। एंड इसको हल्का से यहाँ पे हमें डाउन करना है। एंड सिंपली हम इसको इतना डाउन कर लेते हैं। एंड डन कर लेते हैं। गाइज, इसके बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडिट स्टॉक पे। एंड यहाँ पे व्यू एडिट से गाइज, इसके ऊपर हमें आ जाना है। एंड यहाँ पे कर्स वाला टूल है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। एंड ब्रश पे हमें क्लिक कर लेना है। गाइज, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा इन्वर्ट वाला, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड अब हमें अपनी फोटो को जूमिंग करके अपनी स्किन के ऊपर रब करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको रब कर लेता हूँ। गाइज, इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें डन कर लेना है। एंड हमें यहाँ पे सिंपली बैक आ जाना है। गाइज, इसके बाद वापस पेंसिल वाले आइकन पे हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे डबल एक्सपोजर है, इसके ऊपर हमें आ जाना है। एंड यहाँ पे प्लस वाला आइकन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। गाइज, यहाँ पे PNG है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे PNG आ जाएगी, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे हमें ऐड का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सिंपली यहाँ पे लाइट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। एंड इसको हम डन कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद वापस हमें पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे विग्नेट है, इसके ऊपर हमें जाना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे आपको कलर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे हम इसको इतना डार्क कर लेते हैं, ठीक है। एंड सिंपली इतना हमें कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ पे सेचुरेशन आता है, इसको हल्का से यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है। एंड यहाँ पे स्टाइल स्ट्रेंथ का इसको भी हल्का से यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है। एंड डन कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस, इसके बाद वापस हमें पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड अब हमें सनलाइट PNG को ऐड करना है। तो वापस डबल एक्सपोजर पे हमें जाना है। एंड यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर हमें जाना है। एंड गाइस, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड ऐड पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। एंड इस लाइट को हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। एंड डन कर लेते हैं। एंड गाइज, इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है। सो गाइज, अब हम इसको सेव कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। सो आई होप गाइज ये एडिटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पर्सनल वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।